आज सोशल मीडिया के जरिए सभी लोग जान रहे होंगे कि बाबा रामदेव ने बहुजन समाज के महापुरुष और बहुजन समाज पर आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी की है। इस चीज़ को लेके आज मैंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि जिस शब्द को संविधान ने असंवैधानिक कर दिया है, उस शब्द को लगातार कुछ गलत मानसिकता के लोग लगातार बहुजन समाज को नीचा दिखाने के लिए, जलील करने के लिए लगातार शब्द का उपयोग कर रहे हैं। संविधान में एक अधिकार दिया है बाबा साहब ने, उस अधिकार के विरुद्ध कुछ असामाजिक तत्व मानसिक दिमाग में गंदगी लेके बहुजन समाज को लगातार टारगेट कर रहे हैं। दीपक बोझ जुड़ गए हैं हमारे साथ, शेखर जी जुड़ गए हैं, जय भीम नवोदय सर, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भारत, जय बहुजन समाज। हमारे बहुजन समाज के युवा शक्ति संगठन लगातार समाज को जागरूक कर रहे हैं, एक नई दिशा में तरफ जा रहे हैं। जो उसके साथ होश से काम लेना है, कानून को हाथ में लेके नहीं, संविधान को हाथ में रख के लड़ाई लड़नी है। लड़ाई बहुत लंबी है। बाबा साहब ने जो संविधान की ताकत दी है, कलम की ताकत दी है, वो तलवार की धार से भी तेज है। आज सोशल मीडिया के जरिए जब मुझे पता लगा कि 10 तारीख गुड़गांव में एक चर्चित टीवी के सामने के स्टूडियो में बाबा रामदेव ने अर्णब गोस्वामी के साथ एक इंटरव्यू किया था, जिसमें हमारे महापुरुष संतों को गलत शब्दों का उपयोग किया गया है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए, पेरियार स्वामी जी के लिए, उनकी विचारधारा को एक वैचारिक आतंकवाद और उनके मानने वाले उनके चेले जैसे शब्द को आतंकी घोषित किया है। अपने आप को रामदेव कहलवाने वाले, स्वामी कहलवाने वाले बाबा साहेब के विचार को गलत बताने वाले रामदेव जी से मैं पूछना चाहता हूँ, वो खुद इतने सभ्य हैं, संस्कृत हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं, योगा सिखा रहे हैं, तो गैर जिम्मेदारों ने शब्द कैसे यूज कर सकते हैं? समाज को आतंकी बता दिया है, महापुरुष विचारों को आतंक वैचारिक आतंकवाद घोषित कर दिया है, चेले जैसे शब्दों का यूज किया है कि उनके मानने वाले अनुयायी उनके आतंकी घोषित कर रहे हैं। नवंबर 2012 को गृह मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना, एक दिशा निर्देश, एक अमेंडमेंट जारी किया गया था सभी राज्य सरकारों को कि हरिजन शब्द और दलित शब्द असंवैधानिक शब्द है, इसे कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कोई सरकारी विभाग अपने कम्युनिकेशन में, पत्र लेखन में यूज नहीं करेंगे। इसी को लेकर 13 जून 2018 को एक दिशा निर्देश इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से सभी सैटेलाइट टेलीविजन, प्रिंट मीडिया को एक दिशा निर्देश दिया गया था, जिसमें एक अपील नंबर 114/2016 जून में जो फाइल हुई थी, उसमें सबको दिशा निर्देश दिए गए थे कि बहुजन से जुड़े किसी भी समाज, जाति विशेष
से जुड़े लोगों को बारे में स्टूडियो में, पत्रकारिता में, कम्युनिकेशन विभाग द्वारा दलित या हरिजन शब्द का उपयोग नहीं किया जाएगा, पूर्ण रूप से बैन परहेज किया जाएगा। लिखित में दिशा निर्देश दिए गए थे जिसके पत्र संख्या 13-13001 7 अगस्त को जारी किया गया था। वीडियो संस्थानों को, निजी टीवी चैनलों को बॉम्बे हाईकोर्ट के दिशा निर्देश को देते हुए पुणे बेंच के हाईकोर्ट बेंच ने निर्णय दिया था। उसके बावजूद एक नामी टेलीविजन रिपब्लिक भारत पूछता भारत स्पेशल एपिसोड में रामदेव जी के द्वारा बहुजन समाज के महापुरुषों के विचार को आतंकी विचार धारे से संबंधित बताया, उनके मानने वाले अनुयायी को आतंकी घोषित किया। अनुसूचित जाति, दलित, वनवासियों, आदिवासियों, मुस्लिम समुदाय को इंगित करके किया गया कि दलित समाज के लोग झाड़ू लगाने और गंदगी साफ करने जिसे लैट्रिन जैसे शब्दों संबोधित किया, झाड़ू पोछा लगाने वाले, एक समाज को इंगित करते हुए कि ये नीचता का परिचय दिया रामदेव जी ने। आज मैंने इसके खिलाफ राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी गाजियाबाद के द्वारा एक ज्ञापन दिया है। माननीय न्यायालय जनपद गाजियाबाद में एक अपील दाखिल की है, एक शिकायत दाखिल की है। भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1960, अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम के तहत उसमें मांग की है माननीय न्यायालय से कि दंडात्मक कार्रवाई करी जाए। टीवी चैनल आर भारत, रिपब्लिक भारत, स्वामी रामदेव जी के और एंकर अर्णब गोस्वामी जी के, जिनको लिखित सूचना होते हुए उसके बावजूद उन्होंने ऐसे तरह की शर्मनाक हरकत की है। और मैं आपको जो मैंने आज ज्ञापन दिया वो दिखाना चाहता हूँ। ये वो ज्ञापन है, एक सूचना ब्रॉडकास्ट से प्रसारित हुआ था, उसकी मैं कॉपी आपको दिखाना चाहता। पत्र संख्या 13001/7/2018 ब्रॉडकास्टिंग 3rd, ये उसका पत्र है जो 7 अगस्त को ऑल प्राइवेट सैटेलाइट टीवी और चैनल्स को सेंड किया गया था डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग अमित कौर जी के द्वारा। ये वो लेटर है जो मैंने माननीय न्यायालय में दाखिल किया है। और कुछ ऑफिशियल चैनल श्री प्रणब गोस्वामी जी के साथ हैं, ये आप सबको लिंक उपलब्ध होगा, आप सर्च कर सकते हैं। अयोध्या फैसले विभाग बोल, स्वामी रामदेव के देखे रिपब्लिक भारत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, बोलता भारत, अपने आप को सूर्यवंशी चंद्रवंशी कहकर संबोधित कर रहे हैं, समाज के मूल निवासी को गाली दे रहे हैं, गलत शब्द से उच्चारित कर रहे हैं। मेरा बहुजन समाज के लोगों से, युवा शक्ति से, सभी संगठनों से अपील है कि मेरे द्वारा जो कार्रवाई की गई है इसका समर्थन करें, अपने अपने स्तर पर इस पर कार्रवाई करें और जो उसके साथ होश भी रखें, कानून हाथ में लेके नहीं, संविधान हाथ में रख के लड़ाई लड़नी है। एक शब्द का उपयोग किया था रामदेव जी ने कि मूल निवास कर रहे हैं रामदेव जी, दलित समाज पर लगातार हमले करते रहते हैं। पहले भी एक मुकदमा इनके खिलाफ शायद 2016 में मेरी याद के हिसाब से दर्ज है। सभी बहुजन साथी रामदेव जी के खिलाफ एक मुहिम चलाएं, सोशल मीडिया बड़ी ताकत है, इनको इनका पतंजलि प्रोडक्ट का बायकॉट करें तो इनको भी थोड़ा ताकत का एहसास हो जाए कि बहुजन समाज 85%
बोल पिचासी जय मूल निवासी की ताकत का इन्हें अंदाजा हो जाए और जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े स्वयं शब्दों से संबोधित करते हैं उच्च वंश के, तो इन्हें भी इनके बारे में पता लग जाए कि ये क्या कर रहे हैं, क्या है मूल निवासी बहुजन समाज की ताकत। बाकी इस समाज हमारा समाज बहुजन समाज बहुत शोषित है, आज लोग जागरूक हैं, हमारी युवा शक्ति बहुत जागरूक है, लेकिन जो उसके साथ कोई उपद्रव कानून हाथ में नहीं। समता आवाज टीवी की आपसे गुजारिश है, समता आवाज टीवी को जीवित रखने के लिए, समता आवाज टीवी को बचाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बराबर में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आपको तुरंत मिलती रहे। समता आवाज की आपसे पुनः गुजारिश है, समता आवाज टीवी की हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।